देखिए देश में अराजकता का माहौल है। रही युवाओं की बात, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में जो उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं तो जो फीस स्नातक में बीए बीएससी बीकॉम की है वो 10,000, जो पहले 1-2 हजार हुआ करते थे उसमें सीधे 400 गुना वृद्धि है। कहीं 4,000, कहीं 8,000, कहीं 12,000 तक फीस ली जा रही है। और जहाँ सेल्फ फाइनेंस स्वित पोषित है वहाँ 20-20 हजार तक फीस ली जा रही है। तो युवा इसमें छला महसूस कर रहा है। सरकार को उच्च शिक्षा की गुणवत्ताओं पर ध्यान देना चाहिए और जो फीस स्ट्रक्चर है वो समान करना चाहिए। जो एक गरीब लड़के के लिए फीस स्ट्रक्चर हो वो भी एक औसत लड़कों के लिए हो। और फीस में जो बेतहाशा 400 गुना ज्यादा वृद्धि अभी तक की गई है उसको वापस लेते हुए और एक मिनिमम फीस निर्धारित करनी चाहिए। साथ ही मैं बलिया हमारा बहुत पिछड़ा है रोजगार के मामले पे। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया के नाम पे एक औद्योगिक मतलब एक उद्योग नहीं है। सरकार का इसी ओर भी मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि बलिया की बढ़ती आबादी और शिक्षा लेने के बाद लोग बेरोजगारी यहाँ बहुत है। यहाँ कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, कोई औद्योगिक इकाई नहीं है, जिससे यहाँ के बेरोजगार युवाओं को बाहर ग्रेटर नोएडा दिल्ली मुंबई महानगरों में जाना पड़ता है रोजी रोटी के इंतजाम में। क्या नाम आपका? मैं अमित दुबे, सभासद सिविल लाइन बलिया। अब अमित जो कह रहे हैं वही सवाल मैं पूछूं कि दो बातें जो मूल रूप से उठी, एक शिक्षा का महंगा होना और दूसरा रोजगार की समस्या, क्या इन विषयों पर राजनेता बात करते और उससे की राजनीति होती दिखाई देती है? मैं इनकी बात से 100% सहमत हूं। सहमत इस बात से हूं कि 2014 से पहले इतिहास भारत में आज तक कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन 2014 के पास अगर किसी भी शहर में किसी भी जिले में अगर विकास चाहिए तो सबसे पहले वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रोड की कनेक्टिविटी का। और इसके पहले के जितनी भी सरकारें रही हैं, मुझे गर्व है इस बात का कि 2014 के पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और यहाँ पे वीरेंद्र सिंह बस 2014 में पहली बार सांसद बने। उसके बाद फिर इसके बाद नीरज शेखर जी अभी जस्ट आ रहे हैं। तो इन पीरियड में आप यहाँ देख सकते हैं कि बलिया में डबल ट्रैक हुआ। और आप अभी अगर बाहर से बनारस से या फिर बाहर से आ रहे होंगे तो जो रोड थी उसकी भी कनेक्टिविटी बढ़ी है। रोडों का एक विशाल जो संग्रह है वो बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। तो मुझे 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 निश्चित रूप से, जहां तक बात हो रही है इंडस्ट्री की, तो जब शहर से और बड़े बड़े शहरों से जब रेल की कनेक्टिविटी होगी, रोडें चौड़ी होंगी, तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय होगा उसमें डेवलपमेंट होंगे, कल कारखाने भी लगेंगे और व्यवसाय सारी चीजें बढ़ेंगी। मैं जान रहा हूँ जो आप चाह रहे हैं कि मैं वो पूछूं। आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक सोनी है। अभिषेक, ठीक है, जो आपने कहा ना, मैं क्या करके सारे मुद्दों को पहले ले लूं, फिर उसका चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी जी, मेरा नाम अंगद मिश्रा फौजी है, क्योंकि मैं फौज से रिटायर हूँ। ये बलिया जिला जो है बागियो तेवर से जाना जाता है। यहाँ पे आजादी के बाद से एक भी कारखाना नहीं लगा, जबकि बलिया के नाम से बहुत लोग बना, देश के प्रधानमंत्री भी बलिया ने दिया, उसके बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ पे सांसद बने। मैं यहाँ पे एक रोजगार था जो बलिया में, वो भी रोजगार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी समाप्त कर दिया, वो फौज की नौकरी। यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है, बट यहाँ बलिया जिला के आपको हर फौज में यहाँ पे लड़के मिलेंगे जो जाके देश के सेवा करते हैं, उसको भी ले आकर मोदी जी 4 साल कर दिए, जो बेरोजगार कर दिए। अपने 75 साल होके भी तीसरा टर्म मांग रहे हैं मोदी जी, और नौजवान साथियों को 4 साल में घर भेज रहे हैं कि जाओ आप यहाँ नौकरी करके फिर वहां जाके, वहां पे मेरे ऑफिस में, बीजेपी ऑफिस में एक मंत्री इनका बोला था कि यहाँ नौकरी करने के बाद सिक्योरिटी गार्ड के ड्यूटी करना। इतनी कितनी शर्म की बात है, जो देश सेवा करना चाहता है उसका पेंशन समाप्त करने का भी योजना लगाए हैं, लोग त्रस्त हैं, उसके बावजूद भी इनके मंत्री बोलते हैं कहीं नौकरी ना मिलेगा तो मेरे ऑफिस में आ जाना, दरवान के नौकरी करना, चपरासी के नौकरी करना, ये नौकरी व्यवसाय दे रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, पूरे बलिया जिला में लाखों नौजवान फौज के लिए रोज तैयारी करते हैं। आप गली में घूम के देखिए, रोडों पे सुबह से लेकर शाम तक दौड़ लगाते हैं और जाते हैं वहां पे नौकरी के लिए तो उनको लाठी मिलता है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, अमरउजाला.com।